हे गाइज, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइज? आज हम लोग देखने वाले हैं गेट सेट लाइफ लर्न चैनल से व्हाई ऑल्ट बालाजी एंड उल्लू आर गेटिंग सो पॉपुलर इन इंडिया। ओके, तो आज हम जानेंगे राज की बात कि क्यों ऑल्ट बालाजी जैसे प्लेटफॉर्म और ये उल्लू जैसी साइट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं इंडिया में। क्या कारण है, क्या रीज़न है? तो चलो यार ये वीडियो देखते हैं एंड इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो फ्लोनर्स, दिस इज लिखिता। और दिसंबर 2018 में ही लॉन्च उल्लू एप्लीकेशन ने, जो बाय द वे अपने इरोटिक कंटेंट के लिए ही फेमस है, उसने फर्स्ट लॉकडाउन के पहले ही 2 महीनों में ही पूरे 250% की ग्रोथ देखी थी और ऑल्ट बालाजी ने पूरे 60% राइज देखा अपने व्यूअरशिप में। बट सिर्फ ये एप्लीकेशन ही नहीं, ये प्लेटफॉर्म ही नहीं, इन शोज में काम करने वाली एक्ट्रेसेस के भी सक्सेस कुछ सिमिलर ही है। मतलब एग्जांपल के लिए ऑल्ट बालाजी की गंदी बात S2 की एक्ट्रेस अन्वेषी जैन को ही ले लो। 2017 में जब ये अपने घर से मुंबई आई थी तब इसके पास सिर्फ 4,800 रुपीज ही थे, लेकिन वही अगर आप आज देखो तो इनका नेटवर्थ 4 से 5 करोड़ का होगा। सो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इन प्लेटफॉर्म में ऐसा भी क्या चलता है कि इनके शोज और इनके एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इतने ज्यादा फेमस, इतने ज्यादा सक्सेसफुल। हम सभी को पता है। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि फेमस एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा को 19 जुलाई को मुंबई पुलिस ने पोर्नोग्राफी यानी अश्लील वीडियो बनाने के लिए अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि इंडिया में तो पॉर्न बैन है। लेकिन फिर फ्लोनर्स, क्या यहाँ पर सवाल ये नहीं आता कि अगर पॉर्न बैन है तो ऑल्ट बालाजी और उल्लू जैसे साइट्स कैसे चलते हैं, एंड फिर उस केस में राज कुंद्रा को क्यों छोड़ दिया गया था? वेल, लेट्स फाइंड आउट। सो अब सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिरकार ये उल्लू और ऑल्ट बालाजी कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। सो वेल, एज वी ऑल नो, उल्लू और ऑल्ट बालाजी एक OTT प्लेटफॉर्म, मतलब ओवर द टॉप है, जिन्हें ऑफ कोर्स देखने के लिए आपको चाहिए एक सेल फोन या फिर एक कंप्यूटर विद गुड इंटरनेट कनेक्शन। दैट्स इट। अब ये दोनों साइट्स एक्चुअली में सही मायने में सिर्फ और सिर्फ अपने एडल्ट कंटेंट या फिर सिंपल भाषा में कहें तो सॉफ्ट पॉर्न के लिए ज्यादा फेमस है। फॉर एग्जांपल, ऑल्ट बालाजी पे 250 आवर्स का स्ट्रीमिंग ज्यादातर इरोटिक ही है। अब अगर आपको ऑल्ट बालाजी नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये एकता कपूर के बालाजी एंटरटेनमेंट का ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो अपने शोज गंदी बात, काटल, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल जैसे शोज के लिए फेमस है। और उल्लू के कर्ता धरता है विभू अग्रवाल जी, जिसपे कविता भाभी, साइंस मैटर्स और चरम सुख जैसे सीरियल्स बहुत ज्यादा फेमस है। अब लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि इन्होंने ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स क्यों और किसके लिए बनाए हैं? सो वेल, इसका जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड। नंबर 1, यहाँ पर बोली जाने वाली हिंदी लैंग्वेज स्पीकिंग लोग। नंबर 2, हमारे यहाँ के यूथ। एंड नंबर 3, मेल सेंट्रिक कॉन्टेंट। इंडिया में 52 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं और इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के हिसाब से 22% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन यूथ है। और ऑल्ट बालाजी के CEO नचिकेत पंतवैद्या के हिसाब से इनका टारगेट मेजरली हिंदी बोलने वाले यूथ ही है, और इसीलिए तो इन OTT प्लेटफॉर्म्स ने अपने ज्यादातर शोज यूथ सेंट्रिक बनाए, जहाँ पर स्टार्स के हिसाब से भी इनकी 80% ऑडियंस 35 साल के नीचे वाले लोग हैं। इसके बाद अगर हम हिंदी ऑडियंस को टारगेट करने की बात करें तो गंदी बात, कविता भाभी जैसे शोज को UP, MP, राजस्थान के छोटे छोटे गांवों में और वहाँ के लोगों में से सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मिली है। लेकिन 1 मिनट, सिर्फ इतना करने से इनके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं। इन्होंने मास मेल ऑडियंस को टारगेट करने के लिए थ्रिलर शोज जैसे कि अपहरण और फिक्सर जैसे शोज को लॉन्च किए, जिसमें क्राइम, सस्पेंस, थ्रिल और इरोटिक रोमांस सब कुछ साथ में मिलता है। अब हिंदी में शोज आते हैं, यूथ को टारगेट करते हैं, ये सब इनफ नहीं है। इसके भी अलावा जो ये प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं वो है नंबर 1, रिलेटेबिलिटी। लेकिन रिलेटेबिलिटी विद सॉफ्ट पोर्नोग्राफी। ऑल्ट बालाजी और उल्लू के ज्यादातर शोज इंडियन कल्चर को दर्शाते हैं, लेकिन एक सेक्सुअल हिंट के साथ। फॉर एग्जांपल, इनके ज्यादातर शोज में साड़ी या फिर सलवार कमीज को सेक्सुअलाइज किया जाता है, जो इनकी टारगेट ऑडियंस जो ऑब्वियसली गांव घरों में रहते हैं, उन लोगों के मन में पल रही उनकी फैंटेसीज को उनके सामने वीडियो के फॉर्म में दर्शा रही। बट 1 मिनट, ये तो नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम भी करते हैं, तो फिर वहाँ ये चीज देखना लोग पसंद क्यों नहीं करते? वेल, इस सवाल का जवाब भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम के सीरीज थोड़े से मॉडर्न थीम्स में बेस्ड होते हैं, प्लस कई बार इसमें फॉरेन एक्टर्स होते हैं जो ऑब्वियसली इसमें मास इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं होती है। लेकिन वहीं पे ऑल्ट बालाजी और उल्लू जैसे प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट हिंदी में होता है, प्लस ये बने ही होते हैं इंडियन ऑडियंस के सेंट्रिक, ताकि लोग उससे ज्यादा रिलेट कर पाए। रीजन नंबर 2, रिप्रेस सेक्सुअलिटी इन इंडिया। इनके शोज में BDSM, गे, गर्ल ऑन गर्ल जैसे कॉन्सेप्ट को ज्यादा बताया जाता है, क्योंकि इंडिया में सोशली सेक्स के बारे में बात करना और खुद की सेक्सुअल नीड्स को ओपनली जाहिर करना एक टैबू है, विच इज द बिग रीजन कि ह्यूमंस की जो बायोलॉजिकल नीड है यानी कि प्रोक्रिएट करना, सेक्स करना,
वो बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब इसके अलावा इंडिया में नॉर्मल सेक्स को डिस्कस करना ही जब इतना बड़ा टैबू है, तो सेक्स के दूसरे फॉर्म्स जैसे कि गे होना, लेस्बियन होना, BDSM, थ्रीसम, ये सारी चीजें तो डिस्कशन के ही बाहर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियंस इसके बारे में सोचते नहीं, बहुत सोचते हैं। इनफैक्ट अब क्यूरियोसिटी इन द वर्ल्ड समाज इसे वेंट आउट करने नहीं देती और पॉर्न बैंड है, तो ये सब का मारा आदमी जाएगा किधर? ऑब्वियसली इरोटिका देखे, सॉफ्ट पॉर्न देखे। एंड लो, यहीं पे मिल गया उल्लू और ऑल्ट बालाजी को अपना एक नया कस्टमर। उल्लू और ऑल्ट बालाजी के फेमस होने के पीछे का रीजन नंबर 3 है गवर्नमेंट सेंसर। अब इंडिया ने 2018 में ही पॉर्न पे बैन लगा दिया, लेकिन होम ग्रोन यानी कि देसी इरोटिका जो OTT प्लेटफॉर्म्स पर दिखाया जाता है, उन पर गवर्नमेंट की या फिर सेंसरशिप की कोई भी पाबंदियां नहीं है। और ऑब्वियसली इसी वजह से इरोटिक कंटेंट देखने के लिए लोग यहीं पे आते हैं। रीजन नंबर 4, लॉकडाउन इफेक्ट। अब जैसे मैंने कुछ देर पहले ही बताया, फर्स्ट लॉकडाउन चालू होने के 2 महीने में ही ऑल्ट बालाजी के 60% व्यूवरशिप बढ़ गए थे और वहीं पे उल्लू ने 250% की ग्रोथ हासिल की थी, जो ऑब्वियसली होना ही था क्योंकि लॉकडाउन में टीवी पे मेजरली रिपीटेड शोज ही आ रहे थे जिसे कोई भी नहीं देखना चाहता। एंड ऑब्वियसली टीवी पे ऐसा कंटेंट फैमिली के सामने देख भी नहीं सकते और इसीलिए लोग OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ मुड़ने लगे थे। प्लस टू ऐड टू ऑल ऑफ दिस, इनके शोज पे कोई भी एड ब्रेक्स भी नहीं होते हैं। एंड लॉकडाउन के टाइम पे ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम के लिए सभी को एक अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन लेना ही था, तो यहाँ पर इंटरनेट के साथ साथ टीवी का एक अलग सब्सक्रिप्शन भरने से अच्छा लोगों ने सामने से अपने पैसे ऑल्ट बालाजी या फिर उल्लू जैसे प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन लेने में खर्च कर दिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्यों ये प्लेटफॉर्म्स फेमस है उसका जो लास्ट रीजन है वो है इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। इनकी जो सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी रही है ना, वो है इनका प्राइस पॉइंट। उल्लू का ईयरली सब्सक्रिप्शन प्राइस है ₹144 और 3 मंथ का ₹72। लेकिन इसके अलावा भी इनके कुछ शोज फ्री है। ऑल्ट बालाजी का ईयरली सब्सक्रिप्शन है ₹300 और 3 मंथ का है ₹100। भाई कोई नॉर्मल सा ऑपोजिट मजदूर आदमी भी ले दे ₹199 से ₹799। एंड Amazon प्राइम का प्राइस रेंज है ₹129 टू ₹999। अब आप ही बताओ इंसान किसका सब्सक्रिप्शन लेना ज्यादा प्रेफर करेगा। और इनको हटा के अगर हम टीवी के केबल कनेक्शन की बात करते हैं तो उसका प्राइस रेंज है ₹500 से ₹2000 और उसमें भी कुछ सिलेक्टेड चैनल्स ही आते हैं। अब इनकी दूसरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ऑन द हैंड स्ट्रेटेजी। मतलब देखो, टीवी और सैटेलाइट कनेक्शन आप मोबाइल पे नहीं देख सकते, लेकिन इनका सब्सक्रिप्शन लेते ही आप इनके शोज टीवी या फिर मोबाइल जहां देखना चाहो वहां पर आप देख सकते हो। और इसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का प्रूफ है कि ऑल्ट बालाजी आज टॉप 5 पेड सब्सक्रिप्शन वाले OTT एप्स में से एक है। एंड फाइनली इनकी लास्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कोलैबोरेशन। ऑल्ट बालाजी ने जियो फाइबर के साथ कोलैबोरेट किया था, जहां पर जो भी जियो फाइबर का प्लान लेता है उनको ऑल्ट बालाजी का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। इसके अलावा ऑल्ट बालाजी ने और भी टेलीविजन कंपनीज जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन और पेमेंट गेटवेज जैसे कि पेटीएम और गूगल पे के साथ भी कोलैबोरेशन की है। लेकिन जब ये सब करने के बाद भी इनके सब्सक्रिप्शन रेट इतना नहीं बढ़ रहा था, तो इन्होंने Zee5 के साथ कोलैबोरेट किया। यानी अब इन फैमिली शोज के साथ भी आपको ब्रोकन बट ब्यूटीफुल और गंदी बात जैसे शोज भी इजीली देखने को मिल जाएगा। बट फ्लोनर्स के यहाँ पर एक क्वेश्चन ही आता है कि इनको ऐसा बढ़ते हुए देख गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर रही है। सो वेल, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। एक्सट्रीमली ऑब्सीन वीडियोस दिखाने के लिए महाराष्ट्र के साइबर पुलिस ने ऑल्ट बालाजी और उसके जैसे दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ FIR दर्ज की है। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म व्यूवर्स के कंप्लेंट्स को बढ़ता हुआ देख इस साल फरवरी में ही एक डिजिटल कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल DCCC को गवर्नमेंट ने सेटअप किया है। और इसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की भी डिमांड की है। अब इसका नतीजा ये था कि 15 OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, ऑल्ट बालाजी और उल्लू ने एक सेल्फ रेगुलेशन कोड को साइन किया है, जिसके वजह से हर शो को अपने शो की एक मैच्योरिटी रेटिंग देनी होगी और अपने शो का कंटेंट डिस्क्रिप्शन जैसे कि उसका लैंग्वेज, वॉयलेंस, सेक्स, ये सारी चीजें बताना होगा और उसके बाद ही ये शोज पब्लिक होंगे। लेकिन अब इसका प्रॉब्लम ये है कि कोई भी बच्चा अपने आप को 18+ बता के इन साइट्स को इजीली एक्सेस कर सकता है, क्योंकि मोबाइल पर लॉगिन करके कोई भी ये पर्सनली वेरीफाई नहीं करता है कि यूजर 18+ है या फिर नहीं। अब फ्लोनर्स, हमने ये मुद्दा यहाँ पर इसीलिए उठाया है क्योंकि ऐसे सॉफ्ट पॉर्न दिखाने वाले शोज से कई सारे सोशल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अब ये चीज डिपेंड करता है कि वो सेक्सुअल कंटेंट कैसा है, क्या वहाँ पर दिखाया गया सेक्स नेचुरल सेक्स है, कंसेंशुअल सेक्स है या फिर नॉन नेचुरल और नॉन कंसेंशुअल सेक्स है, या फिर इवन वॉयलेंट सेक्स या फिर रेप है। अब ऐसे सिचुएशंस में ऑब्वियसली बात ये है कि अगर एक बच्चा इन सब चीजों को देखता है तो उसका उसके दिमाग में कुछ और ही परसेप्शन बन जाएगा, जिससे उसके अंदर एग्रेशन आने के, लड़कियों को गलत तरीके से ट्रीट करने के और इवन रेप करने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इस पर हमने 2 डिटेल वीडियोस बनाई। एक है हाउ बॉलीवुड प्रमोट्स रेप,
एंड दूसरा है व्हाई रेप्स आर सो कॉमन इन इंडिया। अगर आपको इस इशू पे डिटेल में जानना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो दोनों भी वीडियोस को देख सकते हैं। अब फ्रोनर्स एंड में हम बात करते हैं राज कुंद्रा की और उनके अरेस्ट की और उनके बेल की। अब दरअसल बात यह है कि राज कुंद्रा को 20 सितंबर को ही बेल मिल गई थी, क्योंकि उनके हिसाब से उनके खिलाफ इस पूरे पोर्नोग्राफी वाले स्कैम में उनका एक्टिवली इन्वॉल्व होने का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है और उनका ये कहना है कि उन्हें कोई बलि का बकरा बना रहा है और इसी बेसिस पे उन्हें बेल भी मिली है। लेकिन फ्लोरेंस आज हमने जो भी बात की उसके बाद एक सोचने वाली बात ये है कि जियो जिसने सबसे पहले अपने नेटवर्क पे पॉर्न को बैन किया था वो आखिर क्यों ऑड बालाजी के साथ टाई अप कर रहा है। सो अब यहाँ पर मेरा सवाल आपसे है कि आपको इसके बारे में क्या लगता है, क्या जियो का ऐसा करना सही है, क्या ऑल्ट बालाजी और उल्लू जैसे प्लेटफॉर्म्स का ऐसे इरोटिक ऐसे सॉफ्ट पोर्नोग्राफी वाले कंटेंट को दिखाना सही है। पर आपके जो भी ओपिनियन है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई वुड लव टू नो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, इससे कुछ भी नया सीखने मिला तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और अगर आपको ऐसे ही इंफोटेनमेंट वीडियोस देखते रहना है तो मेरे चैनल गेट सेट फ्रॉम को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन भी दबाओ विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, वरना आप फ्रॉम के नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। इस टॉपिक पे अवेयरनेस फैलाने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। जय। ओके यार, यहां पे ये वीडियो खत्म। एंड जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ऑल्ट बालाजी और उल्लू जैसे प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं जो कि इंडिया से, उसके माहौल से, उसके गांव गंवई वाले माहौल से रिलेट करता है ना। लाइक उसमें पूरा सेटअप, पूरा प्लॉट जो होगा वो किसी गांव से रिलेट करेगा या नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से रिलेट करेगा, है ना। वो बहुत ज़्यादा हाई फाई लाइक नेटफ्लिक्स, या जैसा कि निकिता जी ने बताया कि नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम पर काफ़ी सारे ऐसे शोज़ होते हैं जो कि आपको दिखाएंगे नॉर्मल वही चीज़ है, ठीक है, रिलेटेड टू सेक्स या रिलेटेड टू न्यूडिटी, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है, उसके बारे में वो एक अडल्ट कंटेंट दिखाएंगे। मैं अडल्ट कंटेंट बोलूँगी या न्यूडिटी बोलना बहुत गलत हो गया मेरा, आई एम सॉरी, ठीक है। तो वही चीज़ दिखाते हैं लेकिन वो एक मॉडर्न थीम के साथ होता है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ऑल्ट बालाजी एंड उल्लू जैसे जो प्राइमरी शोज़ हैं, ठीक है, इनकी जो ऑडियंस है वो मेजरली यूपी, झारखंड, एमपी, बिहार और ये जो नॉर्थ के, नॉर्थ वेस्ट के, नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज़ हैं, ठीक है, इनमें सेटअप हैं ज़्यादातर। मैं मोस्टली बोल रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ बस यही हैं और कहीं नहीं हैं, तो यहाँ पर हैं। और यहाँ पे अभी आप लोगों को भी पता है कि ग्रोइंग स्टेट चल रहा है, अभी इधर का एरिया भी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है जितना कि आप साउथ में देखते हो, मतलब साउथ इंडिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, और उसके बिना पर उसके मतलब उसके बिसाइड में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अभी अंडर ग्रोइंग स्टेट है। सो इस वजह से मतलब लोगों का उतना एजुकेशन नहीं है, लोगों का उतना पता नहीं है कि हाँ उन्हें क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। और जैसा कि वो एक क्राइटेरिया भले ही उन्होंने सेट कर दिया हो कि हाँ ये 13+ लोग देख सकते हैं, ये 18+ लोग देख सकते हैं, 16+ लोग देख सकते हैं, ये 21+ लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे इस तरह के एज गैप डिसाइड भले कर दे लेकिन उस पर एक क्लिक दबाने में कि यस आई एम 18+, तो एक क्लिक करने में किसका वो जा रहा है भाई। वो जो टीनेज दिमाग होता है ना वो आपके एक नॉर्मल ब्रेन से कहीं ज़्यादा काम करता है, मतलब नॉर्मल इंसान के 35+ एज लोगों का इतना दिमाग इतनी तेज़ी से काम नहीं करेगा जितना टीनेज में काम करता है ना। और वो हॉर्मोन्स भी उस टाइम इतने ज़्यादा रिलीज़ होते हैं कि उस टाइम पर बस वो बिना सोचे समझे बच्चे हों, टीनेज ग्रुप्स के हों या यंग हों, वो सब क्लिक करते हैं और वो सब देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो एक बात इन्होंने कही निकिता जी ने कि बहुत सही लगी यार, पता है क्या, इंडिया टॉप मोस्ट कंट्री है जिस एक लिस्ट में जिसमें वो लोग आते हैं कि वो मतलब पॉर्न देखना या फिर इस टाइप का अडल्ट कंटेंट देखना पसंद करते हैं, टॉप मोस्ट कंट्रीज़ में आता है ये, ठीक है, इंडिया। लेकिन यहाँ के लोग पूरी तरीके से नेगलेक्ट करते हैं, हाँ हम संस्कारी हैं हम ऐसी चीज़ें नहीं देखते हैं, जबकि उसके बारे में सोचेंगे भी और तो और मतलब नॉर्मल सेक्स से अलग वियर्ड सेक्स के बारे में भी सोचते हैं, वियर्ड चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते
करते, और दूसरी बात अगर कोई ओपनली इसके बारे में बात कर रहा होता है तो उसको गलत बोलने से भी वो पीछे कभी नहीं हटेंगे, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वैसा वाला हो जाता है ना, कि हाँ खुद तो वही काम कर रहे होंगे लेकिन दूसरे को बोलेंगे कि हाँ तुम जो कर रहे हो वो गलत है ना, खुद उसी चीज़ को देखकर उसी चीज़ को देखेंगे, उसे ट्राई भी करने की सोचेंगे लेकिन पूरी तरह से नेग्लिजेंस दिखाते हैं दूसरों के सामने अपने आप को संस्कारी साबित करने के लिए, है ना। इसको बोलते हैं ओपन माइंडेड ना होना। अगर तुम ओपन हो तो मतलब वो चीज़ प्रेफर होनी चाहिए, वो चीज़ दिखनी चाहिए कि हाँ यार नॉर्मल सी बात है, आई एम अ एजुकेटेड पर्सन एंड मैं मुझे उसे उसके बारे में बात करने में मुझे उसके बारे में बात करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। तो ये चीज़ है, अभी यहाँ पे इंडिया में भले ही धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है, लेकिन फिर भी जो साइट्स हैं, ये जो शोज़ हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी तरफ यूथ का रुझान ज़्यादा है, इस वजह से ये ग्रो कर रहे हैं। और इनके इसमें इन शोज़ में जो भी दिखाया जाता है ना वो कंटेंट ही लोग सच मानने लगते हैं। लाइक कुछ टाइम पहले तक हमारे पास सिर्फ ऑप्शन क्या था, मूवीज़ देखने का ऑप्शन क्या था, बॉलीवुड सिनेमा वगैरह, है ना। और लेकिन आज हम लोग क्या क्या देखते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, इंटरनेट बढ़ने से काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग के बीच में आ गई हैं और अब हम लोग ज़्यादा रैशनल हो गए हैं, ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, ज़्यादा चीज़ें समझते हैं। अब हमें समझ में आता है कि बॉलीवुड में कितनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी दिखाई गई है, प्यार का एक स्टैंडर्ड ऐसा सेट कर दिया गया है, जो संस्कार हैं उनका एक अलग स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है, वो चीज़ बॉलीवुड ने ही सेट की है हमारे बीच में। हमारे प्राइमरी संस्कार कभी ऐसे नहीं थे, है ना। इनफैक्ट हमारे आप पुराना अगर आपको देखना है ना भारतीय संस्कृति एक्चुअल में, कि भारतीय संस्कृति में किस किस चीज़ों के बारे में बात की जाती थी, किस किस चीज़ों के बारे में बात नहीं की जा सकती थी, तो आप पहले उठाकर हमारे ग्रंथ पढ़िए, बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं, ठीक है। उस टाइम में अजंता अलोरा की गुफाएं देखो, बहुत ही ओपनली बात किया जाता था पहले हर चीज़ के बारे में, लेकिन अब क्या, अब ये चीज़ बॉलीवुड ने और इन टीवी शोज़ ने इन सब ने सेट कर दिया है कि भैया नहीं, ये चीज़ें जो हैं वो मतलब बहुत बड़ा टैबू हो गई हैं, इनके बारे में अगर बात करोगे तो आप संस्कारी नहीं हो, समथिंग लाइक दैट ऐसा सेट कर दिया गया है। तो वो चीज़ें मतलब, और इस चीज़ को कहीं ना कहीं इंडियन यूथ जो है, इंडियन माइंड जो है वो अपोज भी करता है एंड एक्सेप्ट भी करता है ना। अगर आप सामने देखेंगे तो आपको लगेगा वाह, ओ माय गॉड कितना बुरा है ये, है ना। और वही चीज़ खुद के अंदर एक्साइटमेंट पैदा करती है कि यार ये मुझे देखना है ना। इसीलिए सबसे छुप के देखते हैं। फैमिलीज़ में भी अलग अलग सबके पास फ़ोन होते हैं, सब अपना अपना कंटेंट देख रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उस चीज़ को इकट्ठे एक्सेप्ट कभी नहीं करना है। वो कभी अपने फ्रेंड्स के बीच में भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो किसी बाहर वाले के सामने भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि यस मैं ये देखता हूँ या देखती हूँ या फिर मैं इस चीज़ से रिलेट कर पा रही हूँ। सो इसी चीज़ का फ़ायदा, इसी सोच का, इसी कॉन्सेप्ट का फ़ायदा ये ऑल्ट बालाजी एंड उल्लू फ़ायदा उठा रहे हैं और दे आर गेटिंग रिचर एंड रिचर डे बाई डे, है ना। सो यही कारण है इंडिया में मोस्ट पॉपुलर होने का इनका, इन दो ये जो प्लेटफॉर्म्स एंड साइट्स आप जो भी कह लो, एप्लीकेशंस वगैरह, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया होगा एंड आई होप मतलब मेरे कुछ भी थॉट्स से शायद आप रिलेट करो, शायद आप उससे एग्री करो, है ना। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।